ये क्या हो रहा है यार। मतलब कि क्रिकेट के अंदर हो तो हो क्या रहा है, एक मैच के अंदर एक एक बंदा 200 बना देता है, एक मैच के अंदर दूसरी टीम जिसको कहते हैं बुरे हाल हो जाते हैं, 15 पे 5 आउट। आप ये देखिए 15 पे 5 आउट हो गए, मुझे तो ये लग रहा था कि कोई रिकॉर्ड ही बन जाएगा, लेकिन शुक्र है। नहीं है, 317 रन के मार्जिन से जीतते हैं और फिर अगले ही मैच में बहुत क्लोज काम आ जाता है 350 करने के बावजूद, और उससे वेरी नेक्स्ट मैच में सेम ओपोनेंट को ये चारों खाने चित कर देते हैं। ये क्या बेच था भाई साहब भाई कितना टारगेट बना है, 108 108 पे भाई ऑल आउट और भाई 35 ओवर भी पूरे नहीं हुए, भाई साहब क्या बॉलिंग कराई है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नाम है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को मात्र 108 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मैच में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ने भी 2-2 विकेट लिए। भारत की इस जबरदस्त गेंदबाजी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो के। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या बेच था भाई साहब भाई कितना टारगेट बना है, 108 108 पे भाई ऑल आउट और भाई 35 ओवर भी पूरे नहीं हुए, भाई साहब क्या बॉलिंग कराई है यहाँ पर। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए हैं, सिराज ने 1 विकेट लिया है, शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया है, पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव ने 1 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट। अरे भाई साहब आग लगा दी यार भाई ये क्या धोया है यार, ये कैसा मैच था भाई, ये क्या T20 हो रहा था क्या चलो कोई बात नहीं दोस्तों, फैंटास्टिक बॉलिंग भाई, वंडरफुल बॉलिंग दोस्तों, लेकिन यार मजा नहीं आ रहा यार, क्या मैच भाई, पूरे दिन का मैच 2 घंटे में खत्म यार चलो कोई बात नहीं दोस्तों, बॉलर्स के लिए भाई स्पेशल ताली भाई, एक ताली स्पेशल बॉलर्स के लिए भाई, क्या विकेट ली है भाई साहब, मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है यार, मतलब कि क्रिकेट के अंदर हो तो हो क्या रहा है, एक मैच के अंदर एक एक बंदा 200 बना देता है, एक मैच के अंदर दूसरी टीम जिसको कहते हैं बुरे हाल हो जाते हैं, 15 पे 5 आउट। आप ये देखिए 15 पे 5 आउट हो गए, मुझे तो ये लग रहा था कि कोई रिकॉर्ड ही बन जाएगा, लेकिन शुक्र है न्यूजीलैंड को थोड़ा ख्याल है कि वो गंदी टीम नहीं है, थोड़ी अच्छी लेवल की टीम है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या रन लगाए बोर्ड पे, इतना बोर्ड मैच कर दिया, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है इंडिया ने, मैच जिसको कहते हैं ना पागल हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हम बैटिंग 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 करते रहते हैं इनकी, तो बॉलिंग को आप देख लें कि मतलब कि नए बॉल से इन्होंने क्या बॉलिंग की है, क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। सिराज तो अच्छी बॉलिंग करता था, शामी को आपने देखा होगा क्या जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है, और फिर ब्रिलियंट फील्डिंग, हार्दिक पांड्या बॉल करते हुए क्या जबरदस्त किस्म का कैच पकड़ गया, अगर वो डेविन कॉन पे वहां पे ना आउट होते तो क्या पता न्यूजीलैंड जिसको कहते हैं ना संभल जाता, लेकिन ब्रिलियंट किस्म का जिसको कहते हैं पांड्या ने कैच पकड़ा। अब न्यूजीलैंड मुश्ताक साहब याद आ रहे हैं जनाब, कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है, एक दिन हार एक दिन जीत, एक दिन गर्मी एक दिन खजा, हिटमैन के गर्मी सर्दी बहार खजा जैसे आता रहता है, तो भाई एक दिन ये 317 रन के मार्जिन से जीतते हैं और फिर अगले मैच में बहुत क्लोज काम आ जाता है 350 करने के बावजूद, और उससे वेरी नेक्स्ट मैच में सेम ओपोनेंट को ये चारों खाने चित कर देते हैं विद इन 35th ओवर, क्योंकि 35वें ही चल रहा था जब 10वीं विकेट भी उड़ गई, और 108 जैसा छोटा टोटल पे रोक लिया, पिछले मैच में एक ही बंदा 140 कर गया था, तो ये इंडियन बॉलिंग का भी भाई कोई पता नहीं चलता, एक दिन बहुत ही सुपर से ऊपर और एक दिन जरा ऑर्डिनरी सी। ये होती है कमाल की बॉलिंग, ये होती है कप्तानी, मजा आया, देखे जितना आप चढ़ के खेलेंगे ना उतना मैं मानता ही नहीं हूँ, जो लोग ये कहते हैं जी वन साइडेड हो गया, इससे तो अच्छा था इंडिया पहले बैटिंग कर लेता, मतलब ये किसी हाल में खुश नहीं, कभी यहाँ सांस अड़क रहता है, कभी यहाँ सांस अड़कता है, कभी आसमान पे चढ़ जाते हैं, ये गलत है। अच्छा क्या पिच बहुत मुश्किल थी या बॉलिंग बहुत अच्छा थी, क्या हुआ मुझे ईमानदारी से बताएं, सारा देखा है, कहां से पिच मुश्किल है, अगर मुश्किल है तो नीचे वालों ने क्यों स्कोर किए हैं, सेंटनर ने और फिलिप्स ने, और ये अगर मुश्किल थी तो सेंटनर फिलिप्स कौन से 25 ओवरों के बाद आए थे, हाँ भाई पहले पहले ओवरों के बाद इनकी बारियां आनी शुरू हो गई सबकी, एक जा रहा है एक आ रहा है एक जा रहा है एक आ रहा है, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई, मैं समझता हूँ वो
होगी। मुझे लगता है शामी बड़ा गुस्सा खा गया और मैनू कट दे पयो बार, मैं सब तू शरीफ आदमी आ, मैनू वर्ल्ड कप तू बार ठहर जो। बहर ऐसी परफॉर्मेंस होगी भाईजन तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है। और रोहित शर्मा को यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, देखे आज उसने 400 ओवर करवाए, साथ ही उसने ठाकुर से भी विकेट ली, साथ ही उसने अपना पांड्या से भी विकेट ली, फिर कुलदीप से विकेट ली, सुंदर से विकेट ली। सीरीज तो लगभग जीत ही गया इंडिया, ये वाला मैच अभी इंडिया ये भी चेज करेगा तो इंडिया क्या करेगा, मतलब कि इतने कम स्कोर अखीर कर दिए। न्यूजीलैंड की टीम एक विलियमसन ही नहीं है ना यार, सिर्फ और सिर्फ विलियमसन नहीं है ना, बाकी तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। ये वही बैटिंग लाइनअप है जिसने पिछले मैच के अंदर इतना ज्यादा रन चेस कर दी थी, ब्रेसबल ने सेंचुरी मारी थी, उस मैच में भी इनके 5 आउट हो गए हुए थे, इनका टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, वो तो नीचे से आके बचत होगी, लेकिन आज के मैच में वो तो फेल हुए हुए, नीचे वाले भी फेल हो गए। फिलिप्स ने कहते थोड़े रन किए, फिलिप्स ने 36 रन किए, लेकिन इतनी स्टूपिड शॉट के ऊपर वो बंदा आउट हुआ है ना, उसको नजर नहीं आ रहा था कि भाई वहां पे फील्डर खड़ा है, तू वहीं पे शॉट खेल रहा है, मतलब कि अब छक्का ही मारना किसी उस जगह पे खेलो ना शॉट जहां पे फील्डर नहीं है, पहली सारी टीम आउट हुई हुई है, अगर वहां पे फिलिप्स ना आउट होते तो क्या पता थोड़े और रन आए थे 30-40। लेकिन अब तो जिसको कहते जो न्यूजीलैंड ने ये रन लगाए हैं इतने कम रन, इनसे पता क्या जिसको कहते हैं क्या फाइट करेगा।